हाई एवरीवन, वेलकम टू अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिजीत शाह, और आज हम बात करेंगे एक ऐसा सिंपल ट्रिक के जिससे आपके प्रोग्राम किए हुए ड्रम्स काफी अच्छा साउंड करने लगेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइव ड्रम्स परकशंस वगैरह रिकॉर्ड करना काफी कॉस्टली पड़ सकता है ड्यू टू द काइंड ऑफ सेटअप और आर्किटेक्चर जो आपको चाहिए होता है, और मोस्टली सारे म्यूजिशियंस के पास में या तो पैसे की या तो वक्त की कमी होती है। लाइव ड्रम्स रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है एक बहुत ही बेहतरीन ड्रम किट, फिर बहुत ही बेहतरीन एकोस्टिकली ट्रीटेड रूम, उसके बाद ढेर सारे माइक्रोफोन्स जो उस ड्रम के अलग अलग पार्ट्स लाइक द किक, स्नेयर, टॉम्स, हाई हैट, क्रैश, ओवरहेड, ये अलग अलग सारी चीजों को कैप्चर कर पाए। अब इतने सारे माइक्रोफोन्स के साथ में ये दिक्कत है कि आपको एक बहुत ही बड़ा साउंड कार्ड चाहिए, और उसके बावजूद भी उसको एक हार्डवेयर के पैच बे से जब तक आप रन नहीं करोगे जिसमें कंप्रेसर और ईक्यू गेट वगैरह सब लगा रहे, तो आपको वो आउटपुट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला जो हम बेसिकली मूवीज में सुनते हैं। बट जाहिर सी बात है, कोई भी अपने गाने को कम नहीं आंकता और हर कोई चाहता है कि वो अच्छा बने। बट स्टिल, जिन लोगों को ये श्योर नहीं है कि प्रोग्राम किए हुए ड्रम्स अच्छे साउंड कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ माय स्टफ इज ऑलवेज प्रोग्राम्ड, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कब लाइव ड्रम्स ट्रैक करे थे, और काफी सारी जगहों पे काफी सारे लोगों को बैड एक्सपीरियंसेस रहे ड्रम ट्रैकिंग करते वक्त। तो अभी का डिजिटल एरा के टाइम में अगर आपके पास में एक अच्छा ड्रमर है आपके बैंड में, द बेस्ट वे टू गो फॉर द लाइव ड्रमिंग पार्ट विल बी यूजिंग हिम टू प्ले अ इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट, जिससे कि उनका वो फील भी बरकरार रहे जो लाइव शोज में जिस तरीके से करते हैं, एंड स्टिल और आपको वो रिकॉर्डेड डेटा मिडी के फॉर्म में मिल जाए इनसाइड योर DAW। क्योंकि मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपने ड्रम्स खुद प्रोग्राम करते हैं फिंगर ड्रमिंग करके यूजिंग अ कीबोर्ड और अ ड्रम मशीन, तो ऐसे में आपके पास सिमिलर वही ऑप्शंस आ जाते हैं जो आप एक मिडी ड्रम किट के थ्रू कर सकते हो। और अब जब आपने अपने ड्रम पार्ट्स रिकॉर्ड कर लिए इनसाइड द DAW, उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज मोर और लेस सिमिलर एंड इवन इन मोस्ट ऑफ द DAWs। तो एक मेरे दोस्त का गाना है जो अभी मैं फिलहाल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मोस्टली इन द जॉनर ऑफ रॉक म्यूजिक है, और रॉक म्यूजिक में यू नो कि ड्रम्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हमने ऐसा किया है कि अपना जो हमारा ड्रम्स है उसको हमने स्टाइलस RMX के थ्रू प्रोग्राम किया हुआ है। तो पहले हम सुनते हैं ड्रम पार्ट, एंड आगे के और भी कई सारे पार्ट देखते हैं, और उसके ऊपर और भी बहुत सारे मेरे पास लेयर्स हैं जिनमें मैंने अलग अलग चीजें सेपरेट कर ली हैं। तो अब बात यह है कि अगर ये ग्रुप्ड है अगर ड्रम, तो चाहे आप RMX से करो या लॉजिक का किसी इंस्ट्रूमेंट से, चाहे आप ऐसा रॉक टाइप का किट प्रोग्राम करो, चाहे EDM या कुछ भी, मोर और लेस आगे का जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही होता है। तो हमें करना ये है कि हमको चाहिए सेपरेट कंट्रोल ओवर ऑल द एलिमेंट्स इन द ड्रम मिक्स। तो जैसे ही हमारा पूरा गाना प्रोग्राम हो जाए, ड्रम का सारा काम हो जाए उसमें, तो हम सबको इकट्ठा करते हैं। लॉजिक में द कमांड इज कमांड प्लस J, और मेरे ख्याल से आप राइट क्लिक करके भी इनको बाउंस या ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन द क्लिप्स इस तरीके से। दूसरे सॉफ्टवेयर में भी वैसा ही कुछ ऑप्शन होगा। आफ्टर दैट हमको करना ये है कि हम मिडी में जाएंगे एंड सेपरेट बाय नोट पिच सिलेक्ट करेंगे। वंस हमने ये सेपरेट बाय नोट पिच कर लिया है, तो हमारे पास ये सारे अलग अलग ट्रैक्स में आ गया है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो लेयर है ये सारा, उसमें क्या क्या बजा हुआ है, और उसको रीनेम कर लेते हैं। तो इसमें कंट्रोल प्लस S करूंगा, तो मैं क्लिप सोलो वाले मोड में चला जाऊंगा, एंड आफ्टर दैट ये किक है हमारा, तो इसको लिख लेते हैं किक। फिर आगे बढ़ते हैं, ये स्नेयर है हमारा, तो इसको लिख लेते हैं स्नेयर, और ये हमारा काइंड ऑफ एक हैट है, यहाँ पे भी कोई एग्जांपल है, ये भी हमारा एक स्नेयर है, भी काइंड ऑफ हैट्स और लीकेज ऑफ स्नेयर्स है, बिकॉज़ ये एक प्रॉपर ग्रूव है, ये ऐसा कुछ बजता अपने आप में, पर मैंने इसको काइंड ऑफ तो मैंने इसको इस तरीके से प्ले कर लिया है अपने आप से, ताकि मुझे अलग अलग टाइप के ग्रूव्स और वेरिएशंस मिल जाए, और मैं अपना किट नहीं चेंज करना चाहूंगा बार बार, कंप्लीट किट बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहूंगा। तो हम इनको ग्रुप करते हैं, ये सारे हाई हैट्स को इकट्ठा रखते हैं, किक्स को साथ में रखते हैं, स्नेयर्स को साथ में, हैट्स, स्नेयर, किक। ये जो खाली सा ये बच गया है दैट इज बेसिकली कंट्रोल चैनल, उसमें कोई खास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमको इसको बाउंस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि ये जितना भी किक्स है इनको साथ में बाउंस करेंगे, और लॉजिक में इट्स कंट्रोल प्लस B, जितना सारा ये स्नेयर्स है इसको साथ में बाउंस करेंगे, सारा हमारा हैट्स है साथ में बाउंस करेंगे। वंस दिस इज डन, हम ये कंट्रोल सोलो हटाते हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव बैकअप्स,
कि इन केस यू मैस अप समथिंग इन द प्रोजेक्ट तो यू कैन गो. अभी ये जितना भी ट्रैक्स है इनकी हमें जरूरत नहीं है तो इनको हम डिलीट कर देते हैं एंड वंस डन वी हैव अ क्लीन ट्रैक. अब इसके अपने एडवांटेजेस हैं. बाकी मेरा जितना भी परकशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अभी मैं और भी प्रोग्रामिंग करूँगा इसमें बिकॉज द सॉन्ग इज नॉट कम्प्लीट हियर एज फार एज द ड्रम्स एज वेल गो एज वेल, बट यू गेट एन आइडिया कि अब मेरे पास में कंट्रोल है किक को, स्नेयर को, हैट्स को, इन सबको अलग अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ मैं. उनको EQ कर सकता हूँ, इनमें अलग अलग किस्म के इफेक्ट्स डाल सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, व्हाटसोएवर. जितना मेरा दिल चाहे उतना इसको मैं प्रोसेस कर सकता हूँ और इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से परफेक्ट कर सकता हूँ. लेट मी प्ले यू अ बिट ऑफ दिस सॉन्ग. आई थिंक दैट साउंड्स गुड. तो अक्सर ये दिक्कत हो जाती है कि जब आपने सारी प्रोग्रामिंग कर ली है, अगर आपका पूरा का पूरा ये ड्रम लूप है तो आप देखते हो कि कहीं वो किक खो सा जा रहा है या कोई दूसरा एक एलिमेंट है जो खो जा रहा है या हार्श हो जा रहा है बिकॉज आप टॉप पे वोकल्स रखना चाहते हो. फिर आपके पास में और सिंथ के पार्ट्स होंगे, गिटार्स, बेसेस, एवरीथिंग. देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन अ ट्रैक. अक्सर हम ये चाहते हैं कि किक या कुछ भी जितने भी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो ठीक ठाक साउंड करें. इस तरीके का इंडिपेंडेंट कंट्रोल होने से आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो. हम चलो मान लेते हैं कि आप सुपर टेक्निकल नहीं हो, आपको नहीं आता कैसे इतना तिलस्मी में EQ करूं, कंप्रेस करूं, क्या रेशियो होना चाहिए, क्या थ्रेशोल्ड, क्या सैचुरेशन लगाऊं. चलो मान लिया कि ये सब नहीं आता आपको, बट स्टिल जब आपको इतना इंडिविजुअल कंट्रोल मिलेगा तो आप वॉल्यूम तो आसानी से बैलेंस कर सकते हो ना, और उससे मैक्सिमम काम हो जाता है आपका. कि मैं सोचता हूं कि यार ये किक का साउंड थोड़ा सा ऐसा ऊपर रहे, है ना, स्नेयर थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं आप आसानी से कर सकते हो उसको. इंस्पाइट कि जब आपके पास में पूरा का पूरा लूप है उसको आप इस तरीके से छेड़ नहीं सकते. तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस बातचीत से हम कुछ एक अच्छा नॉलेज ड्रॉ कर पाए होंगे. और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करूँ ताकि हम सभी ग्रो करें एज अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार.